हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम विद द न्यू वीडियो ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री। दिस इज फॉर एचटेट 2013 पार्ट फोर्थ सेट टी। वी आर सॉल्विंग पार्ट फोर्थ ऑफ केमिस्ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सिल्वर चेंजेस टू ए, एंड अगेन ए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर चेंजेस टू बी। यूजिंग कंपाउंड बी ए ग्रुप ऑफ द फ्लोविंग पॉलीमर कैन बी सिंथेसाइज्ड। ये आपको ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये रिएक्शन करके बी को फाइंड आउट करना होगा कि बी क्या है और उस बी का यूज कौन से पॉलीमर को बनाने में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये रिएक्शन देखते हैं। जब किसी एल्केन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे आपका एपॉक्साइड बनता है। एपॉक्सी रिंग का फॉर्मेशन होगा और उसको फिर एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलने वाला है डाईओल्स। तो यहाँ पे आपका जो डाईओल है वो इथेन 1,2 डाईओल है, जिसको मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। और इस जो ग्लाइकोल का यूज है वो आपको पॉलीमर बनाने के लिए करना है। तो इससे कौन कौन से पॉलीमर बन सकते हैं, डेट इज डेक्रोन एंड ग्लिप्टल। डेक्रोन का ही नाम क्या है, टर्लिन है। डेक्रोन एंड टर्लिन इज सेम थिंग। तो यहाँ पे टर्लिन और ग्लिप्टल दोनों ही बन सकते हैं। नाइलॉन 6,6 इससे नहीं बन सकता, डेक्रोन बन सकता है। डेक्रोन बन सकता है, नाइलॉन 6 नहीं बन सकता। थाइकोल और ब्यूनेस ये नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल गया है कि ऑप्शन 1 से जो है हम जो पॉलीमर यहाँ पे गिवन है टर्लिन और ग्लिप्टल, ये किससे फॉर्म हुए हैं, इनके मोनोमर क्या हैं, इथेन 1,2 डाईओल है। चाहे तो आप यहाँ पे मैंने जो टेबल लिखी है इस टेबल में इन सभी ऑप्शंस को सॉल्व करके दिखाया है कि टर्लिन के मोनोमर्स क्या हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिपथैलिक एसिड है, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ग्लिप्टल इसमें ग्लाइकोल और पथैलिक एसिड का यूज किया जाता है। नाइलॉन 6,6 एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये इनके क्या है, मोनोमर्स हैं। डेक्रोन जिसको पेट PETE भी बोलते हैं, ये क्या है आपका, टर्लिन का ही एक सिनोनिम है, जिसमें आपके इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिपथैलिक एसिड एज ए मोनोमर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्लिप्टल में और डेक्रोन में या टर्लिन में आप तीनों में ही क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल का एज ए मोनोमर यूनिट यूज कर रहे हैं, जबकि बाकियों में नहीं कर रहे हैं, चाहे वो नाइलॉन 6 हो चाहे थायकोल हो। यहाँ पे इथाइलिन क्लोराइड का यूज होता है, डाईओल्स का यूज नहीं होता है, इथाइलिन डाईक्लोराइड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। और ब्यूनेस में स्टायरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन है। तो हमारा राइट ऑप्शन 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 0.030 ग्राम ऑफ स्टार्च वॉज एडेड टू 10 ml ऑफ गोल्ड सोल, 1 ml ऑफ 10% NaCl वॉज एडेड टू दिस गोल्ड सोल, नो प्रेसिपिटेशन अकर्स, वॉट इज द गोल्ड नंबर ऑफ द स्टार्च। तो जब भी गोल्ड नंबर वाला क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिस्ट्री से, तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि गोल्ड नंबर क्या होता है। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का गोल्ड नंबर निकालना है, तो गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च, या जैसे कि यहाँ पे स्टार्च दिया है, इज द अमाउंट इन mg मिलीग्राम, कि स्टार्च की वो अमाउंट जो कि मिलीग्राम में होगी, और वो कब होगी, एडेड टू 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड ऑन एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। तो यहाँ पे जैसा आपको गिवन है बिल्कुल वैसा ही इसका डेफिनेशन है, जस्ट यहाँ पे आपको जो स्टार्च का अमाउंट है ग्राम में गिवन है, इसको हमें mg में कन्वर्ट करना है। इसको mg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ग्राम को mg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 mg आ जाएगा। यहाँ पे ग्राम्स के टर्म में हम बात करें तो 30 mg, तो इसका गोल्ड नंबर क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल इज। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैच करती हैं, यहाँ पे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी गिवन है जो उसे अल्कली मेटल से अलग दिखाती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर दोनों में ही होता है, नॉन मेटल के लिए एफिनिटी भी दोनों ही शो करते हैं,
और दोनों का रिड्यूसिंग करेक्टर भी होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करता है, जबकि अल्कली मेटल जैसे कि नाम में ही मेटेलिक करेक्टर शो करती है। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय हाइड्रोजन एंड विच इज मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अल्कली मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस एक्स कन्वर्टिंग इन टू एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी HCl। ये जो जिंक मरकरी HCl का जो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे किया जा रहा है, ये रिएक्शन कौन सी होती है हमारी क्लेमेंजन रिडक्शन की। ये जो एजेंट है ये रिएजेंट किसके हैं, क्लेमेंजन रिडक्शन रिएक्शन के हैं। ओके, जो कि एल्केन्स सॉरी जो कि आपके एल्डिहाइड या कीटोन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। आगे क्या कहता है कि इस रिएक्शन में इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू प्रिपेयर द फॉलोइंग एल्केन। हमें यहाँ पे नीचे फोर एल्केन्स दिए ऑप्शन में, इनमें से बताना कौन सा एल्केन इस रिएक्शन के थ्रू हम नहीं बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रोपेन दिया है, मैंने इनके स्ट्रक्चर साथ के साथ लिखे हैं। यहाँ पे आइसोपेंटेन दिया है जिसको 2-methylbutene भी कहते हैं, और नियोपेंटेन गिवन है हमें जिसको 2,2-dimethylpropane या IPC नेमिंग लिखे हैं, और नियोहेक्जेन जिसको 2,2-dimethylbutene कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है। अब सबसे पहले मैंने जो जैसा कि बताया क्लेमेंजन रिडक्शन में हम कीटोन को या एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये एल्केन भी किसी ना किसी कीटोन या एल्डिहाइड से बनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले कीटोन का केस चेक कर लेते हैं कि अगर ये कीटोन से बनी है तो कौन कौन सी और किस किस तरीके से बनी होगी। देखिए जब यहाँ पे कीटोन होता है तो इसके ऊपर दो ग्रुप लगे होते हैं, कोई भी ग्रुप या सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करके दो हाइड्रोजन आते हैं यहाँ पे, और कीटोन हमेशा सेकंड कार्बन में मिलेगा, फर्स्ट कार्बन पे पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट पे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम कीटोन का बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोपेन में कीटोन बनना पॉसिबल है, इन सेकंड कार्बन पे यहाँ पे या थर्ड वाले पे किसी पे भी दो हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं, तो इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के आप यहाँ पे कीटोन बना सकते हैं, यानी जो आपका क्या कहते हैं रिएक्टेंट था वो कीटोन हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन इस पे हैं, तो इस पे भी आपका कीटोन फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है सेकेंडरी कार्बन जिसके ऊपर दो हाइड्रोजन हो, यानी यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, यानी ये प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट कीटोन से नहीं बन सकता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन वाला कार्बन प्रेजेंट है सेकेंडरी कार्बन, इस पे भी कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है और कीटोन से बन सकता है। तो हमारा यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास जो ऑप्शन आता है डेट इज द अल्केन नियोपेंटेन, ये आपका इस रिएजेंट को यूज करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि क्लेमेंजन रिडक्शन से इसका फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया एट 500 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ केपी इज 1.44 × 10⁻⁵ द वैल्यू ऑफ केसी विल बी। तो यहाँ पे हमें केपी का वैल्यू गिवन केसी का निकालना है, यह रिलेशन मैंने लास्ट जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें आपको ड्राइव करके दिखाया था। यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिलेशन यूज कर रही हूँ, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर इंटू टी रेज टू पावर डेल्टा एन। यहाँ पे डेल्टा एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स का डेल्टा एन। अब यहाँ पे हमें केपी का वैल्यू गिवन है, तो इस जो आर टी डेल्टा टी वाली टर्म को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में आएगी, और डिवाइड से हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के इनके साथ चली जाएगी पावर में। अब यहाँ पे केपी का जो वैल्यू है उसको रखा हमने, आर का वैल्यू हमें पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का 0.0821 लीटर एटमोसफियर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना है, हमें 500 डिग्री सेल्सियस दिया उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 ऐड करके उसके अंदर, और डेल्टा एन निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे हैं 2, दिस इज 2, और रिएक्टेंट वाले 1+3 टोटल 4, 2-4 = -2,
दिस माइनस टू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के हमें नीड नहीं है, हमें ऑप्शंस में इसी तरीके से गिवन है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मैच करके बता सकते हैं ऑप्शन वन जो है हमारा इससे बिल्कुल मैच हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 90 इज न्यूट्रलाइज बाय 20 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल KH। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी हमें यहाँ पे निकालनी है तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, एक तो यूज करने वाले हैं नॉर्मेलिटी वाला और दूसरा बेसिसिटी वाला। हमें ऑप्शन वन में बेसिसिटी दिया 1, 2, 3 और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करके यहाँ से निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। हमें नॉर्मेलिटी गिवन है कितना 0.5 नॉर्मल और वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू भी हमें गिवन है 0.45 ग्राम 1000 अपॉन में इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 20 ml। ओके ये चीजें यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट वेट को यहाँ ले आएंगे और नॉर्मेलिटी को यहाँ ले आएंगे, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व किया इक्विवेलेंट वेट आ गया 45। अब मॉलिक्यूलर वेट हमें 90 गिवन है, इक्विवेलेंट वेट 45 आ गया। बेसिसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, 90 अपॉन 45 डेट इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन आर, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज 56 ग्राम पर मोल, ट्वाइस डेट ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन, हाफ डेट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ अबव आर करेक्ट। ये ऑप्शन से हमारे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 56 ग्राम में नंबर ऑफ एटम, 560 ग्राम ऑफ आयरन में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मोल का मतलब है आयरन का 1 मोल 56 ग्राम के इक्वल होता है और इसमें जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होंगे डेट इज द एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अब इसका हम क्या करेंगे, 560 बनाना है तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी इक्वेशन को 10 का मल्टीप्लाई देंगे तो 10 मोल इक्वल टू 560 ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगैड्रो एटम इनटू में 10। ओके अब हम चलते हैं इन ऑप्शंस की तरफ। हमें 70 ग्राम नाइट्रोजन का निकालना है कितना एटम होगा, तो सबसे पहले हम 1 मोल में देखते हैं 14 ग्राम में कितना होता है और 14 का कितना मल्टीप्लाई है 17, 5 तो 5 से इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया। ओके अब इससे हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे 5 और 10 इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, यानी ये वाला जो है इसका ट्वाइस है, ये छोटा है ये बड़ा है तो ये वाला ट्वाइस है इसका। और फिर हम बात करेंगे किसके, हाइड्रोजन वाले की। हाइड्रोजन का हम सबसे पहले 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होता है और हमें कितना बनाना है 20 ग्राम, तो कितने का मल्टीप्लाई दिया 20 का, पूरे इक्वेशन में 20 का मल्टीप्लाई दिया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसका और इसका क्या रिलेशन है, ये वाला डबल है इस वाले से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा और इसका डबल करेंगे तो ये आएगा, तो नाइट्रोजन वाले का ट्वाइस करेंगे और हाइड्रोजन वाले का हाफ करेंगे तो बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग आईओपीसी नेम इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ आईओपीसी नेम लिख कर दिए हैं, 4 आइसोप्रोपाइल 2 हेक्साइन, 3 आइसोप्रोपाइल 4 हेक्साइन, 2 मिथाइल 3 इथाइल 4 हेक्साइन, 4 इथाइल 5 मिथाइल 2 हेक्साइन, ये चार ऑप्शन है। हमें बताना है कौन सा आईओपीसी नेम करेक्टली लिखा गया। तो सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, किसी को भी एक को उठा करके आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो स्ट्रक्चर को बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके का आएगा, हेक्साइन है पीछे तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लेते हुए 6 कार्बन लेते हुए इसको बनाएंगे और जैसे भी आप उसमें सब्स्टिट्यूट है आप उस तरीके से इसको लिखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे इसमें कि 4 आइसोप्रोपाइल 2 हेक्साइन क्या ये आईपीसी नेम हो सकता है। तो यहाँ पे ये किस तरीके से है, देखिए ये वाली नंबरिंग अगर हम करते हैं तब आता है 4 पे आइसोप्रोपाइल आ रहा है
और 2 पे हेक्साइनर है। ये नंबरिंग सही नहीं है क्योंकि जब हम इस तरीके से 6 कार्बन लेते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 1 आ रहा है, और सीधी सीधी लाइन में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। तो ये यहीं पे रॉन्ग हो जाता है कि अगर आपकी कार्बन चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, कम वाली को नहीं करेंगे। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम, 3 आइसोप्रोपाइल 4 हेक्साइन। तो इसमें भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट हम ले रहे हैं आइसोप्रोपाइल वाला, ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला लेना है। जैसे कि आप रोमन नंबर में यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 5 6, तो भी आपका एक ही आइसोप्रोपाइल आ रहा है, तो ये नंबरिंग भी गलत है आपकी। फिर हम देखते हैं 2 मिथाइल 3 इथाइल। अब नंबरिंग यहाँ से कर दें 1 2 3 4 5 6 से, तो 2 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल और 3 पे इथाइल आ रहा है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो 2 हो गए, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस नहीं दिया, डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसको प्रेफरेंस मिलेगा जब नंबरिंग करेंगे हम, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देंगे, तो ये नंबरिंग भी गलत हो जाएगी। जब 4th वाला ऑप्शन देखते हैं तो 4th वाले के अकॉर्डिंग नंबरिंग हम देंगे 1 2 3 4 5 6, जो ब्लैक पेन से लिखी गई है नंबरिंग वो राइट होगी। उसके अकॉर्डिंग आपको डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को भी आपने प्रेफरेंस दिया, सेकंड पोजीशन पे आया। पहले किस पे आ रहा था ये? 4th पे आ रहा था, अब किस पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो राइट है। और जो आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं वो भी 2 बन रहे हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे बन रहे हैं? एक 4th पे और एक 5th पे। इनके नेमिंग कैसे करेंगे? इथाइल और मिथाइल, ई पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली तो ई को पहले लिखेंगे, और मिथाइल बाद में आ रहा है तो मिथाइल को बाद में, 4 इथाइल 5 मिथाइल। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं तो हेक्स, और डबल बॉन्ड कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, 2 आयन, 2 पहले लिख लीजिए या बाद में लिख दीजिए, कोई बात सेम ही बात है। तो यहाँ पे ये जो आपका 4th वाला आईपीसी नेमिंग है डेट इज द परफेक्टली रिटन, एंड अदर 3 आर विद रॉन्ग कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4th इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन ए सेल, जिंक प्लस कॉपर आयन चेंजेस टू कॉपर प्लस जिंक आयन। यहाँ पे हमें जो है इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है जिंक से जिंक आयन का 0.76 वोल्ट एंड कॉपर से कॉपर आयन का 0.28 वोल्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। अब सबसे पहले हमें एनोड पे चेक करना है, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये वाला बाद में बताऊंगी मैं क्या है, पहले यहाँ देख लीजिए कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो डेट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस रिएक्शन को देख के हमें पता चल रहा है किसका लॉस हो रहा है, किस में लॉस हो रहा है? जिंक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और कॉपर में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है? जिंक का होने वाला है। किस पे? एनोड पे। तो यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, और देखिए जिंक पे हमें क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारा आंसर इतना सही है। अगर आपसे ईनोड सेल पूछा होता फिर ईनोड कैथोड माइनस ईनोड एनोड करके आप इसको सॉल्व कर लेते तो वैल्यू आपका सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ जाता। ये एक्स्ट्रा बताया मैंने यहाँ पे आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन O2 पॉजिटिव, O2, O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव फॉलो द ऑर्डर। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें O2 पॉजिटिव वाला जो है वो कौन सा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन के साथ है। O2 नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, और O2 नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन, और O2 वाला जो है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे हमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी बताना है वो किस बेस पे बताएंगे हम? बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे बताएंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे पहले सभी का, और फिर बॉन्ड ऑर्डर को चेक करेंगे कि वो किस ऑर्डर में है, और बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी। तो चलिए हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन को लिख लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बॉन्ड होता है? इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 3।
अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है जो हमारा O2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, और O2 पॉजिटिव में कितने हैं, 15। तो O2 पॉजिटिव में 15 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, 2 हुए। तो बॉन्ड ऑर्डर को हम 0.5 के 2 टाइम्स से डिक्रीज करेंगे, तो 0.5 का 2 टाइम्स हो गया 1, और 3 में से 1 डिक्रीज किया, 2। इसी तरीके से इनका निकालेंगे, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 18। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए इसके कंपेरिजन में, 3। तो 0.5 का 3 टाइम 1.5, इसमें से 1.5 डिक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। और 18 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 का 4 टाइम्स 2, 3 में से 2 हो गया 1। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिए हैं, 2, 2.5, 1.5, 1। किसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, 2.5 वाले का ज़्यादा है, O2 पॉजिटिव का, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी। देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देन O2 नेगेटिव, और उसके बाद सबसे लास्ट में O2 नेगेटिव। इनके बॉन्ड ऑर्डर के साथ हमने इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दी, और ये ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर से गिवन थे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2H6 कंटेन, ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 बोरोन और 4 हाइड्रोजन है। ये 4 हाइड्रोजन जो हैं ये आपके कोवलेंट बॉन्डेड है, और जो बाकी के 2 हाइड्रोजन हैं ये आपके ब्रिज हाइड्रोजन हैं, और ये ब्रिज हाइड्रोजन आपके इस तरीके से हैं कि इनके एटम तो 3 हैं, ये बोरोन और ये हाइड्रोजन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यानी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 4, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड कितने हैं, 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 4 तो 2 कार्बन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 2 जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यहाँ पे जो सी है वो कार्बन नहीं है, सेंटर है, और ये ई जो है इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये इस डाइबोरेन के अदर नेम है, बोरोइथेन, डाइबोरेन, बोरोन हाइड्राइड और डाइबोरोन हेक्जा हाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 102, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4, CF4 एंड जीनन टेट्राफ्लोराइड आर। ऑप्शंस गिवन है, तो इनकी हम मॉलिक्यूलर शेप के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे, इनकी शेप्स बताएंगे। SF4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है H=1/2 ×V + M - C + A। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 होते हैं। मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन या हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 4 हैं। कोई कटायनिक या एनायनिक चार्ज यहाँ पे नहीं है। इसके लिए सॉल्व करके आया 5, 5 के लिए sp3d। CF4 के लिए भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे sp3, और जीनन टेट्राफ्लोराइड के लिए भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, कितनी हो जाएगी, 6 के लिए sp3d2। इनके लिए ज्योमेट्री हम देखेंगे। अब डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन मीन डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे हमें साथ में ये बताना है कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके लिए निकालेंगे, सबसे पहले sp3d की बात करते हैं। तो sp3d का मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जब ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे सल्फर सेंटर में जाएगा, और 4 फ्लोरिन जो है वो 2 तो एक्जियल पोजिशन पे जाएंगे और 2 इक्विटोरियल पोजिशन पे जाएंगे, और एक इक्विटोरियल पोजिशन पे क्या जाएगा, जिससे इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी सीसा। और sp3 में टेट्राहेड्रल होती है, तो कार्बन सेंटर में और चारों फ्लोरिन पोजिशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। लोन पेयर कितना होगा, 0, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगी sp3d2 के लिए,
तो यहाँ पे फ्लोरीन चार है तो ज़ीनन सेंटर में, और चार फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और दोनों एक्सियल पोजीशन पे दो लोन पेयर आएंगे। तो लोन पेयर कितने हो गए, टू, 1 0 2। तो 1 0 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेप्स के अंदर हैं रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 103। अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन थ्योरम एट वेरी हाई प्रेशर द वैल्यू ऑफ एक्स बाय एम इज, ये ऑप्शंस गिवन है। तो जो फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन थ्योरम होती है उसमें इस तरीके का ग्राफ आता है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स बाय एम वैल्यू राइज करती है और यहाँ पे प्रेशर, जब प्रेशर का सेचुरेशन आ जाता है तो एक्स बाय एम वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाती है, और मॉडरेट प्रेशर पे एक्स बाय एम वो जो है के इंटू पी रेस्ट पावर 1/n होती है, और वेरी वेरी लो प्रेशर पर एक्स बाय एम के इंटू पी के बराबर होती है। ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अब देखिए यहाँ पे इसने हमसे पूछा था कौन से एट वेरी वेरी हाई प्रेशर, तो वेरी वेरी हाई प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो एक्स बाय एम जो है एक्स बाय एम बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाते हैं यानी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाती है। एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट और एक्स बाय एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पे एक्स जो है मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब ऑन मास एम, और मास एम क्या है, मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट है, पी प्रेशर, सी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट इन सोल्यूशन, K एंड N आर द कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाता है कि जो X बाय M वैल्यू है वेरी वेरी हाई प्रेशर पे वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाती है, प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 104। एक केमिकल रिएक्शन P कन्वर्टिंग इनटू Q, डेल्टा H का वैल्यू -200 kg, प्लेस इन टू स्टेप्स, P changes to R, R changes to Q और डेल्टा H1, डेल्टा H2 दोनों गिवन है। तो यहाँ पे हमें डेल्टा H2 का वैल्यू बताना है क्या होगा। अब देखिए डेल्टा H का वैल्यू जो हमें नेट इक्वेशन के लिए गिवन था डेट इज -200 kg, और इस माइनस को देख करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके का होने वाला है, एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे जो डेल्टा H रिएक्शन होगा और डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होगा, दिस इज -200 इक्वल टू +250 प्लस में x। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम डेल्टा H2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, डेट विल कम -450 kg अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। क्वेश्चन नंबर 105। x, y, z आर द इक्विवेलेंट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम क्लोराइड रिस्पेक्टिवली। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वुड बी, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बतानी है क्या होगी कैल्शियम सल्फेट की, और हमें किस किस की गिवन है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की, इसके लिए एक्स, इसके लिए वाई और इसके लिए जेड। अब देखिए जब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हम कॉलरस लॉ लगाते हैं जिसके अकॉर्डिंग कैल्शियम सल्फेट हमें कहाँ से मिल रहा है, एक कैल्शियम आयन से और एक सल्फेट आयन से, तो इन दोनों को एडअप करके जो बाकी बच गया उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी कंडक्टेंस को ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई को, और जो बच गया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी जेड को, और कितना मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें एक एन ए और एक सीएल, सीएल यहाँ पे 2 है, और Na2 होता है यहाँ पे Na2SO4, सोडियम भी कितना है 2 है, तो यहाँ पे NaCl के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिला के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे NaCl के, तो इसलिए हमने यहाँ से 2 से सब्ट्रैक्ट किया इसको, तो सोडियम कंप्लीट आयंस यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएंगे सोडियम के और क्लोरीन के। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ जेड, तो ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई कैल्शियम सल्फेट के लिए।
एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 106. इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एसिटाइलिन व्हेन रिएक्ट विद मर्करी आयन कन्वर्टिंग इनटू ए एंड एसिटाइलिन व्हेन रिएक्ट विद एचबीआर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल आयन कन्वर्टिंग इनटू बी. फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर. ये फोर ऑप्शन हमें गिवन है. तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे उनके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मिलने वाले हैं हमें वो चेक करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट ए जो हमें मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है. जब एसिटाइलिन को हम मरकरी की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है जो हमारा ये रिएक्शन है क्या है, ऑक्सीमर्किलेशन रिएक्शन है. इसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन होता है. हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, एक पे OH और एक पे H. क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्काइन है तो आप किसी पे भी हाइड्रोजन और किसी पे भी OH लगाएंगे तो यहाँ पे इनोल फॉर्मेशन हमारा हो रहा है. एक डबल बॉन्ड और एक OH इनोल इन ओल. यहाँ पे इनोल जो है ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल फॉर्म है और मोर स्टेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड कार्बन पे इस तरीके से. तो यहाँ पे उस नेगेटिव चार्ज के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे कीटोन बनेगा आपका. और इसके जो रिएजेंट हैं मर्करी सल्फेट वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं. ये हमें आयंस की फॉर्म में यहाँ पे गिवन है. नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिसे हम HBr की प्रेजेंस में करवा रहे हैं वो है हमारी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन. जब एल्काइन को हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाया जाता है HBr2 और हाइड्रोजन परोक्साइड की प्रेजेंस में, जहाँ पे बेस हम KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहाँ पे हमें मिलता है कीटो फॉर्म. कीटो फॉर्म के साथ साथ हमें इनोल फॉर्म भी मिल सकता है लेकिन कीटो फॉर्म क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो यही फॉर्म यहाँ पे बनता है. अब जो कीटो फॉर्म बन रहा है इस कीटो फॉर्म के अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है डेट इज द एल्डिहाइड और जो फर्स्ट वाले केस में हमें मिल रहा था डेट इज द कीटोन. सॉरी दिस इज ऑल्सो एल्डिहाइड. तो दोनों ही केस में हमें क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड मिलने वाला है क्योंकि ये आपकी प्राइमरी एसिटाइलिन है. तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 107. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो ये हम जो बताने वाले हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन हो रहा है ये हम बता रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस के बेस पर. तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं V+2 और V2O3 फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है डेट इज +4 एंड यहाँ पे जो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है +3 से, यहाँ +4 से +3 में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, रिडक्शन है. सोडियम से सोडियम आयन में जा रहे हैं तो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है डेट इज ऑक्सीडेशन 0 से +1. क्रोमियम वाले जो रिएक्शन है उसमें हम देखेंगे तो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहाँ पे +6 है, नो चेंज. तो नो चेंज मतलब नाइदर ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन. और जिंक +2 से जिंक में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है तो हमें यहाँ पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है डेट इज रिडक्शन. तो हमने बताना था डज नॉट इन्वॉल्व, तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है डेट इज द ऑप्शन नंबर 3 दिस रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108. इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम CCl4 द रिक्वायर्ड रिएजेंट आर. जब आप CCl4 से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आपको कौन से रिएजेंट लेने पड़ेंगे. तो क्लोरोफॉर्म के साथ हमें वहां पे आयरन प्लेटिनम प्लेडिनम इनमें से कोई भी एक कैटलिस्ट के तौर पर लेना होगा और जो वाटर है वो एज ए सॉल्वेंट लेना होगा, तब हम CCl4 से क्लोरोफॉर्म बना पाएंगे. ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109. लिक्विड अमोनिया इज यूज फॉर रेफ्रिजरेशन बिकॉज. लिक्विड अमोनिया आप रेफ्रिजरेशन के लिए चीजों को ठंडा करने के लिए क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसका मतलब क्या हुआ, जब आप
किसी चीज के आसपास लिक्विड अमोनिया रखेंगे तो लिक्विड अमोनिया इवेपोरेट होने के लिए क्या लेगा, उस साथ वाले जो भी आपका कोई सब्सटेंस रखा है, कुछ भी रखा है, उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब वो हीट इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा कि उसका वेपोराइजेशन हो सके, तो मैक्सिमम हीट वो वहाँ से लेगा। तो जब किसी प्रोडक्ट की या किसी सब्सटेंस की हीट रिलीज होगी तो वेपोराइजेशन के बाद वहाँ पे क्या बचेगा, कूलिंग का प्रोसेस होगा, क्योंकि हीट निकल जाएगी तो चीज़ें पीछे ठंडी हो जाएंगी। लिक्विड अमोनिया इज यूज एज रेफ्रिजरेटर इन आइस प्लांट बिकॉज इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोरेशन ऑफ लिक्विड नीड हीट एनर्जी। When liquid ammonia vaporizes, it absorbs large quantity of heat without changing its temperature. ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 वाला राइट होगा, बाकी 3 ऑप्शंस जो हैं वो रेफ्रिजरेशन कंडीशन के लिए स्टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द कंसनट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.08 मोलर टू 0.4 मोलर इन 10 मिनट्स। What would be the time taken for the concentration to decrease to 0.01 molar? Second order reaction है, अगर concentration इससे इसमें जा रही है तो time लग रहा है 10 minute। Concentration इससे इसमें जाएगी तो कितना time लगेगा, ये question हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम second order के लिए expression देखते हैं। Integration वाला expression जब हम solve करेंगे तो हमारे पास आता है 1 upon a naught minus 1 upon a is equal to k into t, ये equation आती है। ए नॉट जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है, और के आपका कांस्टेंट है, टी आपका टाइम है। इसमें हम फर्स्ट वाली कंडीशन लगाएंगे और के का वैल्यू निकाल लेंगे। के का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1.25, जिसकी यूनिट होती है सेकेंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर मिनट, क्योंकि ये मिनट में दे रखा है, वैसे तो पर सेकेंड होता है लेकिन यहाँ पर मिनट में ही हम ले लेते हैं क्वेश्चन। फिर हमें जो फाइनल कंसंट्रेशन वो कितनी चाहिए, 0.01 चाहिए, और इनिशियल कितनी चाहिए, 0.08। तो इस वाली कंडीशन को हम दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 1.008 1 अपॉन 0.08 माइनस 1 अपॉन 0.01 इज इक्वल टू में के का वैल्यू, और टी का वैल्यू अब हम इसके लिए निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे और निकालेंगे टी का वैल्यू कितना आएगा, 70 मिनट आएगा। क्वेश्चन नंबर 111, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन थायोसाइनाइड ब्रोमाइड आयोडाइड एंड क्लोराइड आयन। ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट वी शुड फर्स्ट एक्सपेक्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन अगर हम ऐड कर देंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दी आयंस के अंदर, तो हमें सबसे पहले इसमें से किसके प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें केएसपी वैल्यूज भी सभी की गिवन है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर थायोसाइनाइड, सबकी हमें यहाँ गिवन है। तो हमें सबसे पहले किसका प्रेसिपिटेशन मिलेगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास जैसे कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट गिवन है, ऐसे हमारे पास ए बी सॉलिड है कोई, उसके आयन किस तरीके से मिलेंगे, सिल्वर ए पॉजिटिव एक्वस आयन प्लस बी नेगेटिव एक्वस आयन, और केएसपी वैल्यूज क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए आयन्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी आयन्स इस तरीके से। और ये जो केएसपी वैल्यू हमें गिवन है वो यहाँ पे है। अब देखते हैं फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन के लिए, इफ स्मॉलर केएसपी वैल्यू मोर फास्टली विल बी प्रेसिपिटेशन, स्मॉलर केएसपी मोर फास्टली प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे केएसपी किसका सबसे कम है वो चेक कर लेंगे, और जिसका सबसे कम होगा उसी का सबसे पहले क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। अब देखते हैं, चलो स्मॉलर के एस पी किसका है, यहाँ 10^-10 -16 -13 और -13, तो सबसे कम किसका हो गया, -16 वाला। नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है, तो सिल्वर आयोडाइड वाले का सबसे फास्टली यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने वाला आयोडाइड आयन का, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, आयोडाइड आयन के लिए प्रेसिपिटेशन सबसे फास्ट होगा। हेंस सिल्वर नाइट्रेट इज स्पेक्टेटर आयन
एंड डज नॉट नीड टू बी कंसिडर इन द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। और चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, अगर Q और Ks की वैल्यूज के साथ हमें चेक करना हो, Q क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, और जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर Q का वैल्यू लेस देन होगा Ksp से तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, Q का वैल्यू ग्रेटर होगा Ksp से तो प्रेसिपिटेशन होगा, और Q का वैल्यू Ksp के बराबर होगा तो प्रेसिपिटेशन जो है बनेगा, विल फॉर्म। और प्रेसिपिटेशन डज नॉट अकर इमिडिएटली, कभी भी प्रेसिपिटेशन इमिडिएटली नहीं होगा, इसके लिए आपको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 112, फॉर द प्रोसेस ए कन्वर्टिंग इनटू बी, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले हम डेल्टा जी के लिए देखेंगे, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ पे हमें ये पॉजिटिव दिया है और ये नेगेटिव दिया है, और ये भी गिवन है कि जो ये वैल्यू है ये इससे बड़ी है। तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ये वैल्यू बड़ी है इससे तो भी ये सारी एडअप होंगी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हमें पता है स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं है। जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती उनकी बैकवर्ड रिएक्शंस क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। तो ए से बी जो है वो अनस्पॉन्टेनियस है, तो बी से ए क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस बी से ए आपका स्पॉन्टेनियस होने वाला, सो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल शोज मोर देन वन ज्योमेट्री। यहाँ हमें फ्री रेडिकल्स गिवन है, इनकी हमें ज्योमेट्री बतानी है, किसकी एक से ज्यादा ज्योमेट्री होती है। देखिए डाइक्लोरोकार्बिन, सबसे पहला ऑप्शन जो हमें गिवन है डाइक्लोरोकार्बिन, ये कार्बिन ही आपकी क्या है, टू स्ट्रक्चर शो करती है। अगर आपको ध्यान हो कार्बिन में सिंगलेट और ट्रिपलेट दो तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, इस तरीके का कुछ वहां पे हमें देखने को मिलता है। डाइक्लोरोकार्बिन है तो कार्बन के जो आपका पी ऑर्बिटल है एक, और एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कभी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, और जो आपका पी ऑर्बिटल है ये वाला ये वैकेंट रह जाता है। ये कार्बिन जो होती है आपकी सिंगलेट कार्बिन होती है, और कभी कभी ऐसा होता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रेजेंट ना होके आपके एक पी ऑर्बिटल में रहता है और एक sp2 में रहता है, तो ये आपके जो कार्बिन है ये आपकी ट्रिपलेट कार्बिन होती है। यहाँ पे जो आपका क्लोरीन का लोन पेयर है वो इंटरेक्ट कर जाता है एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ, और तब ये आपकी ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट होता है। और ऑप्शन नंबर 2 मिथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, ये आपके सिंगल स्ट्रक्चर ही शो करते हैं, इनके मैंने फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर आपको यहाँ लिख के दिखाए हैं। जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये आपका प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है, जबकि जो सब्सटीट्यूटेड वाले होते हैं जैसे कि आइसोप्रोपाइल वगैरह है वो पिरामिडल ज्योमेट्री शो करते हैं। अगर सिंगलेट कार्बन के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये मैं आपको नोट्स यहाँ पे शो कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इनकी रीडिंग ले सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 114, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 114, अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक अल्कली कन्वर्टिंग इनटू ए, ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाउंड ए इज, इट डज नॉट अंडरगो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले हमें सब ए बनाना पड़ेगा तभी हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो रिएक्शन है ये क्या है, हमारी कार्बामाइन रिएक्शन है, और इसको हम आइसोसाइनेट रिएक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म कास्टिक अल्कली जो रिएक्ट करेंगे कन्वर्ट हो जाएंगे आइसोसाइनेट्स के अंदर। इसके साथ साथ हमें KCl और वाटर भी मिलने वाला है। ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी अमाइन जो आपका अमाइन ग्रुप है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है आउट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन ग्रुप्स।
जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं उनकी काफी अनप्लेजेंट फॉल्स स्मेल होती है, इनको अल्कलेन आइसोनाइट्राइल भी बोला जाता है। अब हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे हैं आइसोसाइनाइड्स का कि हाइड्रोलिसिस किस मीडियम में होता है। जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस हमेशा एसिड्स के प्रेजेंस में होता है, और वो एसिड्स भी कौन से होते हैं, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। कभी भी बेस की प्रेजेंस में, अल्कलाइंस की प्रेजेंस में इनका आइसोसाइनाइड का जो है हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। बेस की प्रेजेंस में क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो कार्बन होता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और उस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो आइसोसाइनाइड्स हैं, यहाँ पे हमें ये गिवन है कि इट गिव्स प्राइमरी अमाइन ऑन रिडक्शन, तो ये सही है। हाइड्रोलिसिस करेंगे आइसोसाइनाइड्स का तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन्स मिलता है। इट गिव्स प्राइमरी अमाइन ऑन रिडक्शन, रिडक्शन करने पे। तो जब हम इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सेकेंडरी अमाइन मिलने वाला है। तो यहाँ प्राइमरी अमाइन गलत हो जाएगा, रिडक्शन करने पे हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। और हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन मिलता है, जबकि यहाँ सेकेंडरी अमाइन गिवन है, तो वो ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद जब हम RBR का सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड्स। तो यहाँ पे आपके अल्कली हैलाइड्स कब आपको आइसोसाइनाइड देंगे, जब इसका सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें किसके साथ दिया है, KCN के साथ। तो KCN या NaCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कली हैलाइड्स का, तो हमें साइनाइड्स मिलते हैं, नाइट्राइड्स मिलते हैं, ना कि आइसोसाइनाइड। तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, सिर्फ कि ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के साथ रिएक्शन नहीं देते, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं होता इनका, कैसा होता है, एसिटिक हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 115, बेंजीन रिएजेंट 1 के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें देगा बेंजल्डिहाइड, और बेंजीन रिएजेंट 2 के साथ रिएक्शन करेगा तो अभी हमें बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है डेट इज गटरमैन सिंथेसिस, और सेकेंड वाली रिएक्शन जो गटरमैन कॉज सिंथेसिस है। द रिएजेंट रिलेटेड टू दीज टू सिंथेसिस, तो हमें ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। गटरमैन सिंथेसिस में जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं डेट इज HCN, HCl एंड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एज लुइस एसिड। एंड जो गटरमैन कॉज सिंथेसिस में यूज किए जाते हैं HCN की जगह वहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, और बाकी दोनों सेम रहते हैं HCl और AlCl3। ये रिएक्शन से यहाँ पे शो किया है गटरमैन सिंथेसिस जो कि लुडविग गटरमैन ने दिया था, इसके रिएजेंट HCN HCl AlCl3 है, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, ये इसका मैकेनिज्म है। इसी तरीके से गटरमैन को सिंथेसिस में CO, HCl या HBr आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, और AlCl3 ये भी क्या कर रहा है, बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलडिहाइड ये रिएक्शन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ये इसका मैकेनिज्म है। इन रिएक्शन का एक और एडवांटेज है क्या, इनसे हम एरोमेटिक हैलाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 116, द कंपाउंड फॉर्मड ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को आपको हीट करना है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे, क्लोरल के साथ करना है। क्लोरल का फॉर्मूला ये है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको ट्राई क्लोरोएस्टरल्डिहाइड कहते हैं। इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और इस तरीके से अटैच हो जाएंगे इस कार्बन के साथ, ये दोनों बेंजीन रिंग अटैच हो जाएंगे। इसको बोलते हैं DDT, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन,
और आईपीसी नेमिंग 111 ट्राइक्लोरो 224 पैरा क्लोरोफिनाइल इथेन। तो यहाँ पे हमें टीटीटी का फॉर्मेशन होगा, मिलेगा यहाँ पे। और जो गामा हेक्जेन है, अदर ऑप्शंस की बात करें तो गामा हेक्जेन एक बेंजीन हेक्जा क्लोराइड है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, इसको बीएचसी और लिंडेन नाम से भी जाना जाता है। हेक्जा क्लोरो इथेन C2Cl6 इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको पीसीए पर क्लोरो इथेन के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रियोन जो कि क्लोरो फ्लोरोकार्बन होते हैं CFCs, उनका फॉर्मूला इस तरीके का होता है। क्वेश्चन नंबर 117, द पर्पल कलर ऑफ टाइटेनियम हेक्जा एक्वा 3+ इज ड्यू टू। हेक्जा एक्वा टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है, जिसका यहाँ पे +3 चार्ज है इसके ऊपर, इसका पर्पल कलर किस वजह से होता है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 का, इसके लिए लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज 3d1। 3d1 जो है आपका T2g ऑर्बिटल से eg ऑर्बिटल में जंप हो जाता है एनर्जी गेन करके, और जब वो एनर्जी लूज करके वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो कलर शो करता है, डेट इज ऑफ पर्पल कलर। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, डीडी ट्रांजिशन की वजह से और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों ही फैक्टर हैं इसके कलर शो करने के लिए। ये जो लाइट है येलो कलर की लाइट अब्जॉर्व करता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है पर्पल या वॉयलेट वो शो करता है। तो यहाँ पे स्क्रैक्ट रीजन जो होगा, ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टाइटेनियम टू अनदर टाइटेनियम, ये गलत है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा गलत है। डीडी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है। इंटर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के पास। डॉपिंग ऑफ सिलिकॉन विद फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन, डिफरेंस इन द टू केसेज। देखिए लेटिस जो हमारा इस तरीके का होता है क्रिस्टल लेटिस, ये जो डॉट्स आपको यहाँ गिवन है ये आप कंसिडर कीजिए कि सिलिकॉन के एटम्स हैं। इनमें जब आप फॉस्फोरस या एल्यूमिनियम की डॉपिंग करवाएंगे तो क्या होगा? देखिए अब एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में कितने हैं 3, और सिलिकॉन के पास 14 होते हैं वैलेंस शेल में 4, ठीक है। और फॉस्फोरस का 15 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में 5। अब यहाँ पे अगर आपने एल्यूमिनियम रख दिया तो ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये और ये चारों सिलिकॉन इसके साथ बॉन्डिंग में आएंगे, तो एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 सिलिकॉन के साथ तो बड़ा इजिली बॉन्डिंग बना लेगा, बट एक वाला क्या रह जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। और अगर फॉस्फोरस डालेंगे तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 के साथ बॉन्डिंग बना लेगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगा आपका इंटर स्पेस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो पी गिव्स राइज टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन व्हाइल एल्युमिनियम गिव राइज टू होल, ये वाली कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 119, ये कॉमन नेम गिवन है इसका, या तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आईपीसी नेम पता होना चाहिए, तभी रिएक्शन हम कर पाते हैं। तो ब्यूटूइन 1-αL, एल्डिहाइड के लिए अल। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है हमारा, हमें रिएक्टेंट्स बताने और रिएजेंट बताना क्या होगा। तो एसीटोन प्लस एसिटाल्डिहाइड डिल्यूट NaOH, फॉर्मल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, इनमें से कौन जो है आपको क्रोटोनल्डिहाइड देने वाला है? तो ये जो रिएक्शन आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शंस हैं, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ऑप्शन में एसीटोन प्लस एल्डिहाइड है, तो डिफरेंट आपके एल्डिहाइड हैं, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड जब रिएक्ट करेंगे तो 4 प्रोडक्ट जनरेट होते हैं वहाँ पे। ये प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये कोई भी प्रोडक्ट इससे मैच नहीं कर रहा है। उसके साथ हम आगे देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें है, इसलिए हमारा एक ही प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है जो कि अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करके मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले अनस्टेबल प्रोडक्ट वो इनमें बनते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और ये अनस्टेबल प्रोडक्ट वाटर लॉस करके आपका देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जो है आपका इससे मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं दोनों ही एसिटाल्डिहाइड हैं, ये जब रिएक्शन करेंगे तो इस तरीके का हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। वाटर लॉस करने पर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलने वाला है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, जो कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्रोटोनल्डिहाइड है जो हमें चाहिए। और ये आपके हैं प्रोपेनल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, ये जब रिएक्शन करेंगे तो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हमारे क्रोटोनल्डिहाइड से डिफरेंट है। ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड्स, बट ये जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उनसे मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है, इसमें हमारे एसिटाल्डिहाइड्स हैं वो हमें करेक्ट प्रोडक्ट देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट अकर इन लिक्विड फॉर्म। तो लिथियम जो है सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, मरकरी लिक्विड मेटल है, और गैलियम या सीजियम ये जो होते हैं हमारे ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कौन नहीं है, लिथियम नहीं है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 121, ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन टू क्यूबिक फेजेज FCC एंड BCC हुज यूनिट लेंथ आर 3.5 एंगस्ट्रम एंड 3.0 एंगस्ट्रम रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी इज। हमें यहाँ पे क्यूबिक फेसेस दिए हैं FCC और BCC, उनकी यूनिट लेंथ दी है और हमें डेंसिटीज का रेशियो बताना है। तो हमें इनके लिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यूनिट सेल की, जेड इफेक्टिव इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन में वॉल्यूम इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। जेड इफेक्टिव जो होते हैं आपकी क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अब क्योंकि हमें FCC दिया है तो FCC के लिए नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं, 4, और BCC के लिए 2। कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेज के सेंटर में कितने एटम होंगे एक क्यूब के अंदर, 6, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ का, तो 6 × में हाफ करोगे, हाफ इंटू 6 3 हो गया, और एक सेंटर में होगा तो वो सेंटर वाले का कंप्लीट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए वो 1 ऐड हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4। और BCC में बॉडी सेंटर सॉरी FCC में जो एक आपका आया है वो कॉर्नर एटम से आया है, कॉर्नर पे 8 होते हैं और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। BCC में आपका जो है एक बॉडी के सेंटर में होता है और 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, 8 कॉर्नर्स वाले में कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का और बॉडी के सेंटर में 1, तो 8 × 1/8 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। और इसमें फेस सेंटर्ड वाले में 6 फेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ का, 8 कॉर्नर्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का, इस तरीके से हम निकाल लेंगे इनको। उसके बाद सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, FCC वाले का और BCC वाले का। तो FCC वाले के लिए 4 मॉलिकुलर वेट अपन में, क्योंकि आपका जो मेटल क्रिस्टल है वो सेम है तो दोनों में मॉलिकुलर वेट सेम रहेगा। वॉल्यूम जो आपको लेंथ दिया है उसका क्यूब करके, इंटू में एवोगैड्रो नंबर भी दोनों में सेम रहने वाले हैं। तो नीचे भी सेम वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमें FCC और FBCC में जो डेंसिटीज का रेशियो है वो हमें मिल जाएगा, डेट इज 1.26/1 और दिस इज सिमिलर टू 1.25। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फ्लोविंग इज मिसमैच्ड। मिसमैच्ड बताना हमें, सोडियम नाइट्रेट के लिए हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन इक्वल है यानी कि वो न्यूट्रल है, और सोडियम सल्फाइड के लिए pH ग्रेटर देन 7 है, अमोनियम साइनाइड के लिए हाइड्रोलिसिस जो होता है √KH होता है, या अमोनियम नाइट्रेट के लिए pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं और फिर बताते हैं राइट आंसर क्या होगा। द pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर इज 5.43। ये डाटा से है कि इसका जो pH होता है 5.43 होता है, इसलिए इसका pH लेस देन 7 होता है अमोनियम नाइट्रेट का। और दूसरी चीज ये भी देख सकते हैं, जो अमोनियम आया है वो वीक बेस से आया है और नाइट्रेट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन को एसिडिक बनाएंगे, इसलिए pH less than 7।
अमोनियम साइनाइड की बात करें तो अमोनियम साइनाइड में आपको पीएच ग्रेटर देन 7, क्योंकि ये वीक बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो आपका होगा रूट ऑफ के एच, यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का स्क्वायर रूट। और सोडियम सल्फाइड जो होगा, सोडियम सल्फाइड, सोडियम जो है स्ट्रॉन्ग बेस से आया और सल्फाइड जो है वो वीक एसिड से आया है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलकर सोल्यूशन जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक अल्कलाइन नेचर का, यानी पीएच ग्रेटर देन 7। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही ट्रू हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, अमोनियम नाइट्रेट की। अमोनिया वीक बेस से आया और नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड से आया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर जो सॉल्ट आपका बनने वाला है वो कैसा बनाएंगे, एसिडिक नेचर का बनाएंगे, यानी पीएच लेस देन 7 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे पीएच ग्रेटर देन 7 दिया है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। और रॉन्ग होने की वजह से आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि हमें रॉन्ग वाला ही सिलेक्ट करना था, मिसमैच ही सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन फॉर्म पेयर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल जो आपस में एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हो, हैंस दिस कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग फनल और डिस्टिलेशन। अब देखिए जो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो दो आपके लिक्विड हैं या दो कंपाउंड जो आपके मिक्स हैं या दो सॉलिड्स मिक्स हैं उनमें से एक कोई भी सबलाइम नेचर का होना चाहिए, यानी डायरेक्ट सॉलिड से गैस फेज में जाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों ही लिक्विड हैं इसलिए इनको हम इस तरीके से सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। फिल्ट्रेशन में एक सोल्यूबल और दूसरा इनसोल्यूबल होना चाहिए किसी सॉल्वेंट के अंदर, बट क्लोरोफॉर्म बेंजीन ये मिसिबल लिक्विड बना रहे हैं तो इनसोल्यूबल वाला केस नहीं होगा यहाँ पे भी। और एक सेपरेटिंग फनल में इमिसिबल लिक्विड्स हम यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस पूछता है। अब डिस्टिलेशन के लिए मैं बता दूँ आपको, डिस्टिलेशन तब लगाते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है तो हम वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को बिल्कुल कंसिडर करते हुए उनको हीट करते हैं ऑयल बाथ या वाटर बाथ के ऊपर, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले कंडेंस होकर हमारे पास सेपरेट आउट हो जाता है, और जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाद में कंडेंस होकर उसको हम सेपरेट आउट करते हैं। ये सिंपल डिस्टिलेशन दिया था इसलिए यहाँ पे डिस्टिलेशन ही ठीक हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की, जो कि इक्वल टू 11 डिग्री सेल्सियस से 11 केल्विन है, जो कि लेस देन है 25 डिग्री सेल्सियस से, अगर दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो तो उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, बट यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिवन नहीं है इसलिए डिस्टिलेशन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, फॉर द रिएक्शन पी प्लस टू क्यू प्लस आर कन्वर्टिंग इन टू एस द मैकेनिज्म इज दिस वन। फास्ट स्लो फास्ट वाले थ्री स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हमें रेट लो बताना है कौन से वाला करेक्ट है। अब जब रेट निकालना रिएक्शन का तो हमें स्लो स्टेप कंसिडर करना होता है, क्योंकि स्लो स्टेप ही जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ये वाला स्टेप जो है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो हम इसे रेट निकाल लेंगे। रेट निकालेंगे तो रेट क्या होगा, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एक्स और आर की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। अब इसको देखें और नेट इक्वेशन को देखें, तो नेट इक्वेशन में हमारे पास पी क्यू आर और एस है। आर तो ठीक है बट ये एक्स एक्स क्या इंटरमीडिएट है इसलिए हम इसको रेट लॉ में नहीं रख सकते। इस एक्स को निकालने के लिए हमें बाकी दो स्टेप्स को भी कंसिडर करने पड़ेंगे। एक्स यहाँ है हमारे पास, इस एक्स का कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को जब कंसिडर करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जब बैकवर्ड रिएक्शन को कंसिडर करेंगे तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए दोनों को इक्वल रखेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे और इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे रेट डिटरमाइनिंग इक्वेशन के अंदर। तो के ए अपॉन के बी इज इक्वल टू, सॉरी रेट इज इक्वल टू के सी इंटू के ए अपॉन के बी P की कंसंट्रेशन, Q की कंसंट्रेशन इंटू में R की कंसंट्रेशन, और ये सारे कांस्टेंट हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, तो इनको हम K के इक्वल मान लेते हैं, जो वैल्यू आएगी वो भी कांस्टेंट आएगी इसके लिए। तो इसको हम देखते हैं कि ये इक्वेशन वन से हमारी मैच कर रही है, ऑप्शन वन से मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 125, द EMF ऑफ द फ्लोइंग सेल इज, एक सेल गिवन है, इसकी EMF हमसे पूछी गई है और यहाँ पे हमें रिडक्शन कांस्टेंट दिए हैं ए और पी के लिए। तो जब हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, द इक्विलिब्रियम स्टेट ईएमएफ इज गिवन बाय, ये हाफ रिएक्शंस के लिए हैं जो कैथोड पे हो रही हैं और जो एनोड पे हो रही हैं, उन दोनों रिएक्शंस के लिए। और जब हमें नेट रिएक्शन के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड वाली रिएक्शन और ई एनोड वाली रिएक्शन का डिफरेंस। ओके, तो यहाँ से ई सेल हमारे पास क्या है, ई नॉट सेल प्लस, इन दोनों रिएक्शन को लिख के जब सॉल्व करेंगे तो नेट इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एन एन पॉजिटिव। यहाँ पे एम एन पॉजिटिव का मतलब है आपका रिडक्शन जिसका हो रहा है उस वाली, और एन पॉजिटिव का मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो वाली कंसंट्रेशन। अब क्योंकि यहाँ पे हमने जनरली एम एन में बात की है, हमारे यहाँ पे क्या है ए और बी हैं, तो हम ए और बी की बात में बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन देखिए किसका हो रहा है, बी का, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ए का। तो बी का हम यहाँ रिडक्शन वाला कंसंट्रेशन कितना रखेंगे, 0.2, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ए का, इसकी कंसंट्रेशन 0.004। सारी वैल्यूज को रखेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये बता दो, ए नॉट सेल कैसे आया, जैसे मैंने पीछे एक इक्वेशन में बताया था, ई कैथोड माइनस ए नोड करके, ये ई नॉट सेल वैसे ही निकाला है हमने यहाँ पे। जब हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करके कैथोड वाले का वैल्यू लिखेंगे, एनोड वाले का वैल्यू लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू जो हमें मिली है ये किससे मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर फोर से मैच कर रही है, तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। अगर आपको वैल्यूज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में गिवन हो तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, फिर आप ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन करके निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वैल्यू हमारी रिडक्शन की थी तो इसलिए हमने इस वाले से निकाल लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। ऑक्सो रिएक्शन ऑफ प्रोपेन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू आइसोमेरिक एल्डिहाइड, देयर रिडक्शन प्रोडक्ट विल बी, ऑक्सो रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, एल्कीन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड एल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो हम एल्कीन दिए डेट इज प्रोपेन, प्रोपेन का हम जब ऑक्सो प्रोसेस लगाएंगे तो हमें मिलेगा आइसोमेरिक एल्डिहाइड, टू आइसोमेरिक एल्डिहाइड, दिस इज नॉर्मल बिटर एल्डिहाइड और आइसोबिटर एल्डिहाइड, और इनका फर्दर रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, आइसोबिटर एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो आइसोब्यूटेनॉल मिलेगा, और नॉर्मल वाले का रिडक्शन करेंगे तो हमें प्राइमरी ब्यूटेनॉल मिलेगा। मिलेंगे दोनों में ही प्राइमरी, बट ये आइसो वाला होगा और ये एन वाला होगा, तो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स हमें यहाँ पर मिलने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 127, द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ डिटॉल इज ड्यू टू, फोर ऑप्शन गिवन है. एंटीसेप्टिक हमें एक्शन बताना है डिटॉल का किसकी वजह से होता है, तो डेट इज क्लोरोजाइलिनॉल. अब ये जो एंटीसेप्टिक एक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, इस एक्शन के थ्रू जो आपके डिटॉल है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से किल करता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लेवल को तो डिक्रीज कर दे बट ह्यूमन बॉडी पे उसका कोई भी साइड इफेक्ट ना आए. तो यहाँ पे आपका क्लोरोजाइलिनोल जो है वो एंटीसेप्टिक एक्शन दिखाता है, और एक आपका इसका क्या है टर्पिनियोल, डिटॉल में टर्पिनियोल भी डाला जाता है, उसका भी आपका एंटीसेप्टिक एक्शन रहता है, और दोनों ही बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 128, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस इज नीडेड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 2.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट एनटीपी. तो एनटीपी पे हमें बताना है कितना हमें लीटर अमोनिया गैस चाहिए अगर हमें 100 ml ऑफ 2.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना है. तो अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक मोल अमोनिया के लिए एक मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा. मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का 17 है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 35 है. यहाँ पे हम मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मोलैरिटी हमें निकालनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम. तो मोलैरिटी हमें 2.5 गिवन है, मास हमने निकालना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास यहाँ पे सॉल्यूट का मास, और जो हमारा मोलर मास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए डेट 35,000 और वॉल्यूम हमें लेना है 100 ml. सॉल्व करेंगे मास का वैल्यू 8.75 ग्राम अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा हमारा यहाँ पर. अब इसके बाद ये मास निकालने के बाद हमें निकालना है अमोनिया गैस के वॉल्यूम, कितना लीटर हमें अमोनिया गैस चाहिए. उसको निकालने के दो तरीके हैं. ये होता आप सीधा सीधा इक्वेशन लगाइए कि 35 ग्राम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड नीडेड 22.4 लीटर एट एनटीपी. इतना ग्राम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एनटीपी पे कितना वॉल्यूम है 22.4 लीटर, वन का कितना होगा और जितना आया है 8.75 ग्राम उसका कितना हो. इससे निकाल लीजिए आप, या तो 5.6 लीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा, या फिर मेथड टू आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में. अब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए गिवन मास अपन मोलर मास करके, जो कि 0.25 मोल आ जाएंगे. अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वन मोल अमोनिया के लिए वन मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, सीधे सी बात है. तो 0.25 मोल अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, उसके लिए इतना मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा. अब आपने अमोनिया के मोल्स निकाल लिए, तो अमोनिया का वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल लेंगे एनटीपी पे वॉल्यूम इंटू पे नंबर ऑफ मोल्स करके, डेट इज 5.6 लीटर. दोनों मेथड में जो भी आपको सही लगे वो यूज कर लीजिए, लेकिन आपको मोलैरिटी लगा के मास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना पड़ेगा. ऑप्शन थ्री यहाँ पे राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 129, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव है. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आप लगाइए और इनके लिए आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए. क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए. यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू आपका राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड एंजाइम. तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज कन्वर्टिंग इथेनॉल एंड CO2, प्रोटीन्स ट्राइपिनेज अमीनो एसिड, स्टार्च डाइटेज माल्टोज स्क्रोज पटाइलिन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो यहाँ पे ऊपर वाले तीनों ही राइट हैं, बट यहाँ पे आपका स्क्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए पटाइलिन एंजाइम नहीं इन्वर्टेज एंजाइम लगेगा, और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को कॉमनली जो है एक साथ इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है. तो मिसमैच आपका है ऑप्शन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल आपके होते हैं बी एंड सी, तो वाटर सॉल्युबल नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन आपका फोर वाला यानी विटामिन डी जो है आपका वो इनसॉल्युबल होगा. क्वेश्चन नंबर 132, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी इन H3PO4 इज.
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो सबसे पहले हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। H3PO4 मॉलिक्यूल के अंदर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गया। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +5 के अकॉर्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो आपका जो नॉबल गैस नियोन वाला कॉन्फ़िगरेशन ही फास्फोरस का होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द कार्बन फैमिली विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। कार्बन फैमिली है आपकी काशी गए शंकर प्रभु फिसले, काशी गए शंकर प्रभु फिसले, ये आपका सीक्वेंस है। इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी सही जा रही है और कौन सी गलत है, तो देयर एटॉमिक साइज डिक्रीज, गलत एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। देयर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है बट यहाँ पे इंक्रीज गिवन तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देयर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज, ये भी रॉन्ग है क्योंकि मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज। देयर स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ये राइट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी किसके अंदर इंक्रीज नहीं हो रही है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले हम मैं कंसेप्ट बता देती हूँ, जो एंट्रोपी होती है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, और एंट्रोपी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है गैस के अंदर और सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है और लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर जो होगा वो सॉलिड होगा और सॉल्यूशन लिक्विड है, तो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में एंट्रोपी इंक्रीज होता है। देखिए एंट्रोपी की बात करें तो जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में वो डिक्रीज होती है और सराउंडिंग की एंट्रोपी बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो नेट रिजल्ट यहाँ पे इंक्रीज का हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, आइस से वाटर में, तो आप सॉलिड से लिक्विड एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। वेपोराइजेशन ऑफ कैम्फर, कपूर का वेपोराइजेशन करेंगे तो सॉलिड से गैस में इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज किस में हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो डज नॉट इंक्रीज मतलब डिक्रीज, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 135, ए कंपाउंड एक्स ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H10 एग्जिबिट द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्स आपका रिएक्टेंट है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है और रिएक्शन करके आपको ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है जो ये रिएक्शन शो करेगा। अब ये कंपाउंड जो एक्स है वो क्या होगा, यानी आपका रिएक्टेंट पूछा क्या होगा, ये चारों ही एल्कीन है, यानी हमारे यहाँ पे कंपाउंड जो है वो एल्कीन है एक्स वाला कंपाउंड। अब हमें इसको पहचान करनी है, तो यहाँ पे आपका एक तो ब्रोमीन वाला रिएक्शन है, एक ऑक्सीजन ओजोन वाला है, एक KMnO4 से ऑक्सीडेशन और एक एस्टिफाइड पोटाशियम क्रोमेट से ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पे जब आप ओजोन वाला रिएक्शन देखेंगे तो इससे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा, एसीटोन एसिटल्डिहाइड, इन डबल बॉन्ड्स को हटा करके ऑक्सीजन वाले इन दोनों कार्बन को जोड़ दीजिए, तो यह आपका जो एल्किन बनेगा वही एल्किन आपका एक्स वाला होगा। जैसे इसको हटाया तो ये कार्बन डबल बॉन्ड और इसको हटाया तो ये CH इससे जुड़ जाएगा, यानी 2-methyl-butadiene होगा, शॉर्ट ट्रिक। लेकिन आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हर एक ऑप्शंस को मैंने डिस्कस किया है, जैसे ऑप्शन 1 के लिए डिस्कस किया है कि ये एल्कीन जब इस ब्रोमीन और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट करेगी तो आपको मिलेगा 2,3-dibromo-2-methyl-butadiene जो कि कलरलेस होता है।
क्योंकि ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर रेड ऑरेंज कलर देती है, और जब इसको एल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कलर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एल्कीन या एल्काइन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब यहाँ पे एल्कीन है आपकी। इसी तरीके से ऑप्शन थ्री, जब आप उसका ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कीन का तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आपको टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देगा, और जो रिएक्शन करके आपको डाइओल्स की जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहाँ पे जो आपका KMnO4 है ये पर्पल कलर का होता है, और यहाँ पे जो MnO2 बनेगा ये ब्राउन प्रेसिपिटेट शो करेगा। ऑप्शन फोर में पोटाशियम डाइक्रोमेट गिवन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमियम आयन या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में येलो है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर +3 में होगा, ब्लू कलर शो करेगा। इसी की वजह से यहाँ पे आपके कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वो इसी एल्कीन की वजह से बन रहे हैं। तो ये सारे तीनों ऑप्शन एल्कीन का होने का शो करते हैं, बट इससे प्रोडक्ट कन्फर्मेशन हमें ऑप्शन नंबर जो हमारा ओजोनोलिसिस वाला रिएक्शन है उसी से हमें डायरेक्टली हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 136, ए स्मगलर कैनॉट स्मगल गोल्ड बाय डिपॉजिटिंग आयरन ऑन इट्स सरफेस। गोल्ड की कॉइन के ऊपर आयरन की लेयरिंग करके उसको स्मगल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गोल्ड हैज हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देन डेट ऑफ आयरन। यही रीजन है, इसी की वजह से वो गोल्ड को कोटिंग करके स्मगल नहीं कर पाएगा जो स्मगलर है। हायर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद का ऑक्सीडेशन करवाना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस करवाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो गोल्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि अगर आयरन के साथ ये प्रॉपर्टीज होती तो यहाँ पे इजीली गोल्ड के ऊपर आयरन की लेयर कर सकते थे हम, बट प्रॉपर्टीज अपोजिट हो रही हैं इसलिए यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कंडीशन है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होना चाहिए। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 के अंदर हम देख पा रहे हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर सेम है, तो नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। यहाँ पे बेरियम का सेम है, नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। यहाँ पे हमारा जो क्रोमियम है फिर से सोडियम वाले केस में, और यहाँ पे दोनों में +6 +6 है, यहाँ पे सेम है, सल्फर का भी सेम है, इसलिए नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। बट लास्ट वाला जो ऑप्शन है पोटाशियम डाइक्रोमेट +6 Ki+7 सल्फ्यूरिक एसिड वाला, इस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, डेट इज ऑक्सीडेशन, एंड आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, डेट इज रिडक्शन। दैट्स वाई दिस इज ए कम्प्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 138, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डेट इंक्रीजेज विद देयर एटॉमिक नंबर इज। तो एटॉमिक नंबर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी? डेट इज ऑप्शन नंबर 2, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स। डाउन अ ग्रुप जाने पर हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन रह गए 1, 3 एंड 4, ये आयनाइजेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, इन ए टू स्टेप एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम 1 and 2 आर फेवर्ड रिस्पेक्टिवली बाय। यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस गिवन है, हमें उनके थ्रू ही बताना है कि इक्विलिब्रियम 1, 2 किस तरीके से सेटिस्फाई होंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी वो फेवर्ड होंगी बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जब कम होगा,
तो दोनों ही केस में यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही एक्जोथर्मिक रिएक्शन थे, तो लो टेम्परेचर वाली कंडीशन यहाँ पे लगेगी। प्रेशर की बात करें तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्टेंट के कम हैं और प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं। अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर की तरफ जाएंगे, हाई करना चाहेंगे उसको, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप प्रेशर, अब सेकंड वाले देखें, यह नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कम हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसको डिक्रीज करना चाहेगा, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले केस में प्रेशर को डिक्रीज करेंगे और दूसरे केस में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और दोनों ही केस में टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर टू आपका फेवरेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन एसिड रेन। तो एसिड रेन में जो एसिड्स होते हैं उन एसिड्स में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस एसिड का होता है? तो जो एसिड होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसका लार्जेस्ट कंसंट्रेशन होता है एसिड रेन के अंदर। एटमोस्फेरिक सल्फर के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रोमियम एटम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आर 13 नंबर। तो ये हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है। इसमें फोर ऑप्शन हमें दिए हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होंगे। अगर एजीमिथिल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 12 होंगे। अगर हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसके लिए वैल्यू +1 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ विल बी 15। तो ये हमें चेकआउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से फिर बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। एटॉमिक नंबर 24, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 है, 24 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3 वाला हम देखेंगे 3s2 3p6 3d5, इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, डेट विल 2 + 6 8 8 + 5 13। तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 में 13 इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद l इक्वल टू 1 इक्वल टू 12, ये हमें चेक करना है। तो एजीमिथिल क्वांटम नंबर 1 देखना हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। देखिए n के और l के बीच में क्या रिलेशन है, अगर n है तो l का वैल्यू 0 से n माइनस 1 होता है। तो n इक्वल टू 0 के लिए l 0 ही है, 1 के लिए 0 से 0 होगा, 1 - 1 भी 0 हो जाएगा, 0, 1 के लिए 0, 2 के लिए 0 और 1, और 3 के लिए 0, 1, 2। तो एजीमिथिल क्वांटम नंबर हमें 1, 1 कहाँ मिल रहा है, एक तो जब n का वैल्यू 2 है और एक n का वैल्यू 3 है, दो केस में हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ p सबशेल हमारा 2p में है और 3p में भी है, ठीक है। 2p में 6 है और 3p में भी 6 है। तो एजीमिथिल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 1 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 12 हो गया, ये भी राइट है। अब हमें चेक करना है ml प्लस 1 के लिए। अब ml प्लस 1 हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, m और l में क्या रिलेशन है, इसका जो वैल्यू है वो माइनस l से प्लस l होता है, ओके। अब माइनस l से प्लस l होता है तो हमें यहाँ पे चेक करना है ये किस किस कंडीशन में हमें मिलेगा। देखिए जब n 2 था तो l था 0, 1, और इसके लिए 0, 1 के लिए m का वैल्यू होगा 0 + 1 - 1, और n इक्वल टू 3 है तो l का वैल्यू 0, 1, 2 था, और इसके लिए m का वैल्यू -2 - 1 0 + 1 + 2। यानी m प्लस 1 हमें यहाँ भी मिलने वाला है 2 के केस में, n इक्वल टू 2 के केस में, और n इक्वल टू 3 के केस में भी हमें प्लस 1 मिलने वाला है। तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्रोमियम के केस में 2p में, 3p में और 3d में। तो 2p में m प्लस 1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 3p में 2 और 3d में 1, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको और एक तरीके से देखते हैं, देखिए ये सब ऑर्बिटल्स हैं,
इसमें 2s के लिए जो 2p में माइनस वन जीरो प्लस वन यही होता है, प्लस वन में कितने इलेक्ट्रॉन है टू, और 3p वाले में भी टू, और 3d वाले में प्लस वन है तो कितना होगा वन, तो टू टू फोर और वन फाइव, फाइव इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, चाहे वो पैरल स्पिन में हो चाहे वो एंटी पैरल स्पिन में हो। अब s इक्वल टू माइनस हाफ के लिए हमें चेक करना है, तो माइनस हाफ यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन, एक माइनस हाफ का यहाँ पे है, एक माइनस हाफ का यहाँ पे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक प्लस हाफ में हो गए एक माइनस हाफ में, तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ वन टू थ्री और एक ये होगा माइनस हाफ का फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब टेन तो ये हो गए, अब ये हमें नहीं पता ये अपवर्ड के हैं या डाउनवर्ड के हैं, तो हम इनको किसी भी तरीके से कंसिडर करें, या तो प्लस हाफ के होंगे माइनस हाफ के, हमें माइनस हाफ के भी हो सकते हैं तो इसलिए हम ये कंसिडर करेंगे। टेन के बाद इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, सो ये फोर की फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी वाला, ये चारों ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 142, द वर्क ऑफ एक्सपेंशन फॉर द सिस्टम इज 400 कैलोरीज, द हीट गिवन टू द सिस्टम इज 80 कैलोरीज, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस विल बी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, क्यू हीट और डब्ल्यू वर्क, तो यहाँ पे हीट एनर्जी जो है सिस्टम की 80 कैलोरीज है, और जो एक्सपेंशन वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है उसको हम लेंगे यहाँ पे 400 कैलोरीज, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 320 कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 143, फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन आर इन कॉन्टेक्ट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इन विच केस द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, तो यहाँ हमें इस तरीके के ऑप्शंस गिवन है। अब जो ऑस्मोसिस होगा उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके जो दो सॉल्यूशंस हैं उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज होंगे, अगर उनकी कंसंट्रेशन इक्वल है तो एक्सचेंज नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है, आई का वैल्यू आयनाइजेशन जो होगी वो वन होगी, किसके केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, और नंबर ऑफ आयन्स एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जितने बनेंगे वो आई का वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, किसके केस में, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उन्हीं ऑप्शंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज और माल्टोज ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनके सभी के लिए आई का वैल्यू वन है, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज और माल्टोज, तो सुक्रोज और माल्टोज वन वन है आई का वैल्यू, तो ये तो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ग्लूकोज और यूरिया, यूरिया और ग्लूकोज इन ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है, तो ये यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाता है। फिर हमारे पास आता है यूरिया और केसीएल और कैल्शियम क्लोराइड और एनएसीएल, इनका कंसंट्रेशन के साथ हमें चेक करना पड़ेगा आई की वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे एनएसएल केसीएल कैल्शियम क्लोराइड आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड वाला देखेंगे 1 × 10⁻³ आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, एक कैल्शियम के लिए 2 क्लोरीन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम क्लोराइड के केस में आई का वैल्यू 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का कंसंट्रेशन सेम आ रहा है तो इसमें भी ऑस्मोसिस नहीं हो सकता। केसीएल में देखेंगे केसीएल के लिए आई का वैल्यू 2 था, कंसंट्रेशन 0.1 थी, दोनों का मल्टीप्लाई किया 0.2 मोलर कंसंट्रेशन हो गई, यूरिया की 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए फर्स्ट केस में आपको ऑस्मोसिस होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 144, द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम इज, यानी कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके पास, तो यहाँ पे हमें पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होगा, फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी होगी,
और फिर बताना होगा किसमें डी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंगनीज प्लस सेवन में कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपके नोबल गैस आर्गन वाली कॉन्फिग्रेशन रखता है, तो ऑप्शन नंबर वन राइट हो जाएगा। बाकी सभी में D5, D6, D5, D3 इस तरीके के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कोबाल्ट प्लस थ्री में 3D5 है, आयरन प्लस थ्री में 3D5 है, क्रोमियम प्लस थ्री में 3D3 है, तो यहाँ पे 3D0 है। क्वेश्चन नंबर 145, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब वाइल बी एटम आर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब ए एटम कॉर्नर पर है, जैसे मैंने बताया कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, तो कितने हो गए, एक एटम बन गया टोटल। और बॉडी के सेंटर में एक एटम है तो कितना रहेगा, एक ही एटम रहेगा, वो उसका फुल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो एक एक एटम है ए का भी और बी का भी, तो इसलिए फॉर्मूला ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये टेबल है, इसमें मैच बताना है। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्ज फेज और कोलाइडल सिस्टम में कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे जो थर्ड रो है आपकी सॉलिड प्लस लिक्विड, ये आपका सॉलिड फॉर्म बनेगा, ये वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब आपका डिस्पर्ज फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, तब आपका जेल बनता है या सॉलिड इमल्शन जिसको आप बोलते हैं वो बनता है। थर्ड वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाले करेक्ट हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका फेज डिस्पर्स फेज गैस का है जिसको आप सॉलिड या लिक्विड के अंदर डिजोल्व करेंगे तो आपका फॉर्म बनेगा। सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड है तो सिंपली फॉर्म। अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम गैस है और गैस के अंदर आप सॉलिड या लिक्विड को डिजोल्व करते हैं, गैस के अंदर सॉलिड को या लिक्विड को डिजोल्व करते हैं, तो आपका एरोसोल बनेगा। सॉलिड है तो सॉलिड एरोसोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, ए गैसेस मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी एंड 5 मोल ऑफ सी एंड 10 मोल ऑफ डी इज टेकन इन ए वेसल। इट इज इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज 1.5 एटमोसफियर, द टोटल प्रेशर ऑफ इन एटमोसफियर इज। तो यहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर वाला लॉ अप्लाई करना है, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या कहता है, टोटल प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर्स का सम होता है, P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज किया जाता है पी टोटल इंटू XI, XI जो मोल फ्रैक्शन है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी तो हमें गिवन है, पी टोटल हमें निकालना है और XI हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। XI जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन पर्टिकुलर गैस अपॉन टोटल मोल ऑफ गैस। अब पर्टिकुलर मोल जो गैस के सी के कितने हैं, हमारे पास 5 हैं, और टोटल मोल सारी गैसेस के कितने बनेंगे, 2 + 3 + 5 + 10। तो यहाँ से हम XI का वैल्यू निकाल लेंगे, डेट इज 1/4। इन वैल्यूज को पुट करेंगे और टोटल प्रेशर यहाँ से निकाल लेंगे, तो डेट विल कम 6 एटमोसफियर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है। और इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, इट स्टेट दैट टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप व्हेन प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग मॉलिक्यूल मेक इट इनफेक्टिव फॉर फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगी करने। तो इनमें नाइट्रो, OH, CH3 और ऑल द अबव, ये चार ऑप्शन हैं। देखिए जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस में इजिली होती हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में डिफिकल्टी के साथ होती हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग के ऊपर डिक्रीज कर देते हैं वो, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन जो है नाइट्रो ग्रुप के साथ क्रिएट हो रही है, इसलिए यहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन को शो कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है।
और सेम सिचुएशन अमाइन जो आपके एनिलीन वगैरह है, अगर यहाँ पे एन एच टू प्रेजेंट होगा तब भी क्रिएट होगी, क्योंकि एनिलीन जो है वहां पे लुइस एसिड के साथ खुद ही रिएक्ट कर जाता है। तो ऑप्शन वन जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम एग्जिबिट मैनी प्रॉपर्टी विच आर सिमिलर एंड द सॉरी बट द टू एलिमेंट्स डिफर इन। एल्युमिनियम एंड बेरिलियम की प्रॉपर्टी सेम है बट दोनों एलिमेंट एक दूसरे से किस चीज में डिफर करते हैं, कहाँ डिफरेंस आता है? तो देखिए, बेरिलियम और एल्युमिनियम टू डिफरेंट ग्रुप्स के डायगनल एलिमेंट्स हैं और डायगनल एलिमेंट्स जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बट यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा क्या कहता है। एग्जिबिटिंग एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये दोनों ही शो करेंगे। फॉर्मिंग पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड, दोनों ही पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाएंगे। और फॉर्मिंग कोवलेंट हैलाइड्स भी दोनों ही बनाते हैं। एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवलेंसी इन कंपाउंड, तो यहाँ मैक्सिमम कोवलेंसी वाला जो कंसेप्ट है वो डिफर कर जाता है दोनों में, क्योंकि बेरिलियम के केस में इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम के केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है जबकि बेरिलियम के केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में 2 होने की वजह से ये मैक्सिमम कोवलेंसी 4 के शो करता है और एल्युमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैक्सिमम कोवलेंसी जो है वो 6 के शो करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड द स्टेबल रिएजेंट एसिडिफाइड केमेनोफोर्टोल रिएजेंट एथाइल अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आपके ये 4 ऑप्शंस हैं, इनके बेस पे हमें बताना है कि किसके साथ हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर्मिक एसिड HCOH होता है और एसिटिक एसिड CH3COH। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास CH3COOH है जो इसमें सिर्फ एसिड ग्रुप है और HCOOH में आपके पास एल्डिहाइडिक और एसिटिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन बी ऑक्सीडाइज फर्दर इन एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये फर्दर एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब ये ऑक्सीडाइज की तरह वर्क करेगा तो इसके साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही आएंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एसिडिफाइड केमेनोफोर और आपके टॉलरेंट रिएजेंट्स हैं। एथाइल अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये इस तरीके का रिएक्शन शो करके इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, फॉर्मिक एसिड जो है डिकलराइज कर देता है एसिडिफाइड केमेनोफोर को और सोल्यूशन को कलरलेस बना देता है, और फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस करके व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये वाला रिएक्शन जो है ये टॉलरेंट रिएजेंट का रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, ए एंड बी। और कौन कौन से रिएक्शन शो कर सकता है फॉर्मिक एसिड? ये आपका फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो कर सकता है और ये मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशंस को रिड्यूस करके वाइट पीपीटी दे सकता है मर्क्यूरी Hg2Cl2 के, जबकि एसिटिक एसिड इनमें से कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करें और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।